नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज। नमस्कार, जेके न्यूज में आपका स्वागत है। एटा से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। मजदूरों की सहायता कर चर्चा में आए समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रंजीत सिंह यादव अपनी टीम के साथ मारहरा विधानसभा के कपरेटा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपस्थित लोगों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए तथा गांव के 55 गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष रंजीत सिंह यादव ने कहा कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देश भर में लगे लॉकडाउन में बेरोजगार हुए परिवारों की सहायता करें, लेकिन सरकार का ध्यान गरीब मजदूरों की और बिल्कुल भी नहीं है। जिला उपाध्यक्ष तहसीलदार सिंह बघेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर रंजीत सिंह यादव गरीब मजदूर परिवारों की सहायता कर रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। इस अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सागर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फहीमुद्दीन वारसी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह कश्यप, नगर उपाध्यक्ष देवा वाल्मीकि, अविनाश यादव उर्फ जीतू, मुकेश सिंह धनगर, सचिन यादव, जैनुल आबदीन वारसी, दीपक यादव, प्रशांत यादव, अनूप यादव, अभय यादव, रुपेंद्र यादव, बबलू यादव प्रधान, अमर सिंह यादव शास्त्री, सुधीर यादव, तेजपाल यादव, मानपाल सिंह यादव, फौजदार सिंह यादव, मुकेश यादव, केरन सिंह वाल्मीकि, विजयपाल जाटव, उदल सिंह कश्यप, रामदास प्रजापति, दिवारी लाल बघेल, पप्पू शर्मा, मुंशी खां आदि सपा नेता मौजूद रहे। आपने अभी तक जो राशन वितरित किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अनुसार, आपने अभी तक कहाँ कहाँ राशन वितरित किया? जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था, पहले लॉकडाउन में जब गरीब मजदूर सड़कों पर पैदल पैदल जा रहा था कि भाई सब लोग मदद करें, गांवों में जाके लिस्ट बनाएं, आज कम से कम हम 50 गांवों में लिस्टें बना बना के गरीब लोगों की मजदूरों की गरीबों की मदद करते हैं। और आज हम कपेटा गाँव में करीब 50-60 परिवारों को जो लिस्ट बनी थी उसको राशन वितरण किया है। सभी समाजवादी पार्टी के लोग बाग जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब लगे हुए हैं। हमारे हिसाब से आज की तारीख में कपेटा गांव के सब हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, सब लोग दलित शोषित जितने भी गरीब परिवार गांव के अंदर थे सभी को आज राशन वितरण किया गया। लॉकडाउन से लेकर आपने अभी तक कितने गांवों में आप राशन वितरित कर चुके होंगे? लगभग 50 गांवों में हम राशन वितरण कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? तहसीलदार सिंह बघेल। तहसीलदार सिंह बघेल जी, आज जो आपने राशन बांटा है किसके निर्देशानुसार आपने राशन बांटा है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशों पर बांटा गया है, जिसका नेतृत्व कर रहे वही जिले के उपाध्यक्ष माननीय रंजीत सिंह यादव। तो लगभग अभी तक कितने गाँव में राशन पहुँच चुका है? लगभग 50 गाँव में बढ़ चुका है। ये मुहिम कब से चलाई जा रही है? ये अप्रैल से ही शुरू हुआ, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तभी से करीब 7 महीने हो गए। मैं आपका अमर कांत शास्त्री। आज जो आपके गांव में राशन बांटा गया है क्या कहना चाहेंगे आप? ये समाजवादी पार्टी की एक नींव हमारे गांव में मजबूत होने जा रही है। हर वर्ग का आदमी और हमारे माननीय रंजीत सिंह यादव जी जो के समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, इनके साथ सभी हर तौर से तैयार हैं क्योंकि उन्होंने सबके दिल को जीत लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें जेके न्यूज़। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।